गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैंने कल बताया भी था कि आज के वीडियो में मैं आप लोग को लॉगरिथम बताऊंगा। लॉगरिथम इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉग। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं मैथ्स क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप देखते होंगे अक्सर जो है 11th 12th के सिलेबस में मैक्सिमम केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर्स में लॉग आ जाता है। जैसे आप केमिस्ट्री की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे, वहां पर लॉग आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में लॉग की हेल्प आपको जरूरत पड़ जाएगी। आप ट्वेल्थ में आएंगे केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर में जो इक्वेशन है वहां पे लॉग की जरूरत आपको पड़ जाएगी। आप चले जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन वहां पर लॉग की जरूरत आपको पड़ जाएगी। तो बहुत सी जगहों पर लॉग की जरूरत पड़ जाती है और बच्चे परेशान हो जाते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में आ गया लॉग 7.2 और फिर वो इधर उधर भागने लगते हैं कि लॉग 7.2 की वैल्यू कहाँ से देखा जाए, कैलकुलेटर से देखा जाए या फिर आपको लॉग टेबल देखना आए। अब बात है कि नहीं, बेसिकली कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो लॉग मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये हेल्प करेगा बायो वालों को, मैथ वाले तो ऑलरेडी पढ़ लेते हैं। तो सीबीएसई के सिलेबस में 9th to 12th मैथ के सिलेबस में कहीं भी लॉग नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं। सीबीएसई के सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड में हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो वहां के सिलेबस में लॉग था। अच्छा, आज के इस वीडियो की सबसे खास बात क्या है, लॉग टेबल देखना मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और विदाउट सीइंग लॉग टेबल, बिना लॉग टेबल देखे किसी भी लॉग की वैल्यू ओरली मैं बता सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे वीडियो में तो कुछ भी भौकाल बना सकता है इंसान की, बना दे रहा है भौकाल, ठीक है। तो मैं अभी ये प्रूफ भी करूंगा कि मैं किसी भी लॉग की वैल्यू बिना देखे बिना कुछ सोचे आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब आप मुझसे कोई भी लॉग की वैल्यू पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे लॉग 32 की वैल्यू, मैं ऐसे ऐसे 2 मिनट सोचूंगा और बता दूंगा। आप मुझसे पूछेंगे लॉग 13.6 की वैल्यू, मैं बता दूंगा, ठीक है। कुछ वैल्यूज मैं ओरली ऐसे बता रहा हूं आपको, आप चाहें तो उसको कैलकुलेटर से अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर भी ऑन कर दे रहा हूँ, थोड़ा 5 मिनट में अपना भौकाल बनाऊंगा भाई, क्योंकि ये ट्रिक मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। तो 5 मिनट में थोड़ा अपना भौकाल बनाऊंगा। तो ये देखिए मैंने कैलकुलेटर भी ऑन कर दिया और कैलकुलेटर अप्रॉक्स में जाऊंगा मैं। अब बहुत टफ आप अगर पूछेंगे, बहुत सी वैल्यूज का तो एग्जैक्ट बता दूंगा मैं, ठीक है। अब इसका मैंने क्या ऑन कर दिया, रोटेशन लॉक हटा दिया और ये आपका आ गया, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा ये बताओ लॉग 50 की वैल्यू, तो लॉग 50 की वैल्यू होती है 1.6990। क्या बोला मैंने, 1.6990। आप इसमें देख सकते हैं लॉग 50 is equal to 1.698। मैंने क्या बोला, 1.699, मतलब थर्ड डिजिट तक मैं सही जा रहा हूं, ठीक है। अब फिर से मैंने इसको जो है खत्म कर दिया, आपका हटा दिया। अब आप मुझसे पूछेंगे लॉग 16.2 की वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू बता रहा हूं, थोड़ी सोचूंगा मैं, 1.23, 1.24, approx 1.23, 1.24। तो क्या पूछा था मैंने, लॉग 16.3 की वैल्यू डेसिमल में, ठीक है, 1.21, 1.23, 1.24 मैंने बोला था, क्या आया 1.21। ऐसा आप कुछ भी पूछेंगे, लॉग आप मुझसे पूछेंगे लॉग रूट टू की वैल्यू बताइए, मैं इसकी वैल्यू बता दूंगा, होती है 0.15। लॉग रूट टू की वैल्यू, रूट में भी बता दे रहा हूं मैं, ओनली लॉग लिया मैंने और रूट लिया और टू लिया, लॉग रूट टू की वैल्यू देखिए 0.15, सही आ रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं। आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे लॉग 25 की पावर 398, मैं इसकी भी वैल्यू ओरली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप मुझसे किसी भी चीज की वैल्यू आप पूछेंगे तो मैं वैल्यू आपको क्या बता दूंगा, ओरली बता दूंगा। तो बात है सर, ये कैसे पॉसिबल है विदाउट सीइंग लॉग टेबल। मैंने आपको छोड़ दिया, आप अपने फोन नंबर की वैल्यू पूछेंगे कि लॉग, जैसे मेरा फोन नंबर है 7379629232, आप पूछेंगे इसकी लॉग की, अगर लॉग इसके आगे लॉग लगा दिया इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़े आराम से बता दूंगा, 9.86 होगी। आप अपने फोन नंबर की वैल्यू पूछेंगे, लॉग लगा के पूछेंगे, मैं बता दूंगा। कुछ भी आप मुझसे पूछेंगे, डेसिमल में पूछेंगे, पावर में पूछेंगे, रूट में पूछेंगे, क्यूब रूट में पूछेंगे, टेट्रा रूट में पूछेंगे, ठीक है, सारी लॉग की वैल्यू मैं ओनली बताऊंगा विद इन फ्यू सेकंड्स विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, विदाउट सीइंग लॉग टेबल, ठीक है। वही ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बड़ी यूनिक सी ट्रिक है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स के टीचर से भी पूछा कि भैया मुझे बताओ लॉग 368.84 की वैल्यू, तो कहते मुझे इसके लिए लॉग टेबल देखना पड़ेगा। अब लॉग टेबल आप अरेंज करिए, फिर मिलान करिए, मुझे देखना नहीं आता है, मतलब इतना पता है उसमें टाइम लगता है, ठीक है। फिर आप जाकर लोग बताते हैं, अब आप कोई कैलकुलेशन करने बैठे हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में लॉग वाला फार्मूला सॉल्व करने बैठे हैं, आ गया लॉग 0.0038। अब बच्चे परेशान कि इसकी वैल्यू कहां से देखें, भैया लॉग टेबल खोजो, आपका रिदम टूट जाता है। तो मैं आपको एक आज ऐसी ट्रिक दूंगा जिसके थ्रू आपस को एक बार आपको समझना है, समझने के बाद आपको भी लगेगा इतनी आसान चीज थी लेकिन कोई बताया क्यों नहीं, इतनी आसान चीज थी लेकिन कोई क्यों बताया नहीं। तो वही ट्रिक मैं आपको आज लॉग की बताने जा रहा हूं। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को एक मिनट मार्क कर, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को फिर वापस मतलब
सैटरडे या मंडे संडे से मैं सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियोस आप लोग को दूंगा केमिस्ट्री में। इसकी डिमांड बहुत सी आ गई थी कि मुझे पर्सनली भी कई लोगों ने मैसेज किया, कॉल किया कि सर लॉग की ट्रिक बता दीजिए, तो मैं किस पे आया। सबसे पहले तो लॉगरिथम है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये है क्या। तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते होंगे, क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल फंक्शंस। तो ये लॉग है क्या, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसी भी कैलकुलेशन को बड़ा आसान बना देता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे 2, मैं बोलूं 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे 4, मैं बोलूं 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे 8, मैं बोलूं 2 की पावर 3.26 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे पता नहीं, आप हो जाएंगे फुर, कहानी खत्म। बताइए भैया, बड़े टैलेंटेड होंगे, बताइए लॉग 2 की पावर 3.26 दिक्कत होगी। मैं भी बोल दूं 368 की पावर 0.39 इसकी वैल्यू बताइए, आप नहीं बता पाएंगे, मैं बता सकता हूं बड़े आसानी से बाय यूजिंग क्या लॉग। तो लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो ऐसे टफ कैलकुलेशंस को वेरी क्या बना देता है, बहुत क्या बना देता है, इजी बना देता है। तो बात है कि इस लॉग को अब कैसे स्टार्ट किया जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लॉग, ये लॉग एकदम ध्यान से समझिएगा, मतलब ऐतिहासिक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, है बड़ी छोटी सी चीज, ऐसा चीज बता दूंगा जिससे आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना आपके लिए मजा आ जाएगा। आप बहुत से लोगों को परेशान कर सकते हैं कि बंदा कितनी लॉग की वैल्यू रट के बैठा है, रटा नहीं, ये बंदा निकाल रहा है यहां से दिमाग से, ठीक है। अब बात है क्या नहीं करना है, बहुत से बच्चे लॉग पढ़े नहीं होते, मैथ के सिलेबस में नहीं है, लॉग पढ़े नहीं होते तो समझ नहीं पाते हैं, कुछ चीजें इसमें नहीं करनी होती है। जैसे कभी अगर ऐसे लिखा है लॉग 25 डिवाइडेड बाय लॉग 5, तो बच्चे क्या करते हैं लॉग लॉग काट देते हैं, 5 से 5 बार कहते हैं 5। अबे अगर यही करना था तो मैं 25/5 नहीं लिखता, इसके आगे लॉग लग गया, इसका मतलब लॉग 25 की वैल्यू 25 से बिल्कुल डिफरेंट होती है, log 25 की वैल्यू 25 से डिफरेंट होती है। जब भी किसी नंबर के आगे कोई मैथमेटिकल फंक्शन लगता है तो उसकी वैल्यू तुरंत वहीं पर क्या होती है, बदल जाती है। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि log log काट दिए 5/25 आंसर 5 आ गया, नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि log 25 की वैल्यू कुछ और होती है, log 5 की वैल्यू कुछ और होती है, दोनों वैल्यू आप यहां रखिए फिर डिवाइड करिए तब जो आंसर आएगा वो सही होगा। अच्छा कहीं पर लिखा रहता है log 3+2, तो बच्चे कहते हैं बहुत से ब्रैकेट ओपन log 3+log 2, गलत है, ये भी गलत है, log 3+2 का मतलब होता है log 5 और log 5 की अपनी एक वैल्यू होती है। तो ये कुछ सिंपल चीजें मैंने आपको बताया जो आपको नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ऐसे कुछ चीजें और हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब बात आई कि log किस स्टार्टिंग कहां करेंगे, तो इसके अपने कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, इसके log के अपने कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, सबसे पहले मैं आपको उन बेसिक फार्मूलों के बारे में बताऊंगा। चलिए जैसे कहीं पर भी लिखा हो फार्मूला नंबर 1, ठीक है, कहीं भी लिखा हो log m into n, m और n कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर कहीं भी लिखा है log m into n तो आप इसको लिख सकते हैं, ये बहुत बेसिक फार्मूला अधिकतर बच्चे जानते भी होंगे, log m plus log n। अच्छा अगर कहीं भी लिखा हुआ है log m by n, अगर मल्टीप्लीकेशन था तो प्लस लग गया और दोनों में अलग अलग log लग गया, अगर डिवीजन है तो माइनस लग जाएगा और दोनों में अलग अलग क्या लग जाएगा, log लग जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कहीं लिख दिया log m to the power n, पावर कोई चीज है तो वो आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा n log m। और एक चौथा फार्मूला, अगर हाँ चौथा फार्मूला बात बताता हूं, अब देखिए यहां पर एक चीज आती है, log के साथ हमेशा दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है मेन वैल्यू और एक होता है बेस वैल्यू। जैसे अगर कहीं भी मैंने लिख दिया log a और यहां छोटा सा लिख दिया b, तो इसको आप ये नहीं पढ़ेंगे कि log b की पावर a, ना इसको आप पढ़ेंगे log a बेस b, पढ़िए log a बेस b। अच्छा अगर बेस न लिखा हो, जैसे यहां पर देखो बेस लिखा ही नहीं, यहां बेस लिखा ही नहीं, अगर बेस न लिखा हो तो हम बेस मानते हैं 10, क्या मानते हैं 10, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, log m into n बेस 10, log m बेस 10, log n बेस 10, बेस 10 बोलना जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो अंडरस्टूड है कि बेस क्या है 10, log m by n बेस 10, log m बेस 10, log n बेस 10, log m to the power n बेस 10, n log m बेस 10। अच्छा बेस 10 की जगह अगर बेस 2 हो तो तब लिखना पड़ेगा, तो दीज फार्मूलाज आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बेसिस। मैं बेस 10 पर आपको बता रहा हूं, लास्ट में बेस 2 3 4 बेस एक्स वाई जेड पे बता दूंगा, ठीक है। तो ये फार्मूला log m into n बेस 2 अगर करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, log m बेस 2 प्लस log n बेस 2, जो बेस होगा उसी हिसाब से फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं log a बेस b, ठीक। अच्छा अगर अब लिखा हो कहीं पर ऐसे लिखा हो log a और बेस b है a, ऐसा लिखना थोड़ा गैप बना के कि पावर ना कोई समझ ले, a की पावर a ना समझ ले, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर कभी भी मेन वैल्यू, मेरी बात को ध्यान सुनिए, मेन वैल्यू और बेस वैल्यू सेम हो गई
तो उस टोटल की वैल्यू क्या होती है वन। अगर कहीं पर लिख दिया जाए लॉग टू और बेस भी है टू, टू पावर टू नहीं तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन। कहीं लिख दिया जाए लॉग थ्री और बेस भी थ्री तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन। कहीं लिख दिया जाए लॉग टेन तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन। चलो करें बेस तो लिखे ही, अरे बेस नहीं लिखे तो बेस क्या हो गया टेन, तो लॉग टेन बेस टेन इसकी वैल्यू क्या हो गई वन। ठीक है ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना बड़े अच्छे से। ठीक है, ये फार्मूले आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको मिटाऊंगा और इसके बाद एक चीज मैं आपको, अब अपने ट्रिक की ओर जा रहा हूं, ये कोई ट्रिक थोड़ी था, ये तो रूल्स हैं, तो ये तो फार्मूले हैं जो हर किताब में मिलेंगे। अपने नेट पे बेसिक फार्मूला आप लॉगरिथम हर बेस के लिए सही है, मैंने बेस 10 के लिए लिखा लेकिन ये सही हर बेस के लिए है। लॉग 2 बेस 2 1, लॉग 3 बेस 3 1, लॉग 10 बेस 10 1, लॉग x बेस x 1। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं, अब बढ़ते हैं ट्रिक की ओर कि आखिर मैं कैसे ओरली सारी वैल्यूज निकाल ले रहा हूं विदाउट सीइंग लॉग टेबल। इस बात पे बहुत फोकस करिएगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, कहीं भी लिखा हो, अगर कहीं भी अगर लिखा हो लॉग, चलिए यहां से करता हूं, ये नोट करना पड़ेगा आपको, कहीं लिखा हो लॉग वन बेस टेन पे, समझा ये चीज हर बेस पे एप्लीकेबल है, बेस टू पे भी बता दूंगा लास्ट में। कहीं लिखा हो लॉग वन मतलब बेस टेन, इसकी वैल्यू होती है जीरो, आप याद कर लीजिए। कहीं पर लिखा हो लॉग टू, इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ये आप याद कर लीजिए। याद रहे मैंने कोई रूल नहीं डेवलप किया, मैंने केवल ट्रिक बनाया है। अब कहीं पर ये वैल्यू कहां से आई थी, लॉग टेबल से ही आई। ठीक है, जब लॉग डेवलप किया गया तभी आई, तो आपको कुछ वैल्यूज केवल याद करनी है उस ट्रिक को समझने के लिए। अगर मैंने लिख दिया लॉग थ्री तो इसकी वैल्यू होती है 0.4771। अगर मैंने लिख दिया लॉग फोर तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपको बेसिकली ये तीन वैल्यूज याद करनी है। कितनी वैल्यू बोलिए, तीन, आपको बेसिकली ये थ्री वैल्यूज याद करनी है। अगर आपको लॉग इतना ही समझना है कि आप अपना काम चला सकें तो केवल तीन वैल्यू याद करिएगा, फार्मूले तो याद करने ही करने। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी तरह एकदम एक्सपर्ट बनना है कि कोई बंदा राह चलते भी बोलते लॉग 75 काट से आंसर, लॉग 76 काट से आंसर, लॉग 120 काट से आंसर, ठीक है, तो आपको थोड़ी और वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। लेकिन मान लीजिए खाली आप तीन वैल्यू याद किए तो अब कैसे काम चलेगा, लॉग 4 आ गया। अब लॉग 4 को तुम अपने जो फार्मूले याद किए उसमें तोड़ो, इसको तुम लिख सकते हो लॉग 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। अच्छा, लॉग m की पावर n, तो फार्मूला क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 लॉग 2 और लॉग 2 की वैल्यू तुम रट के बैठे हो 0.3010, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.6020। कोई तुमसे बोले लॉग 5 की वैल्यू बताओ, अब क्या सोच रहे हो, बहुत सही, अब तो 5 टूटेगा ही नहीं, 2 इंटू 3 भी नहीं होगा, 2 प्लस 3 लिख नहीं सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर नहीं सकते हैं लॉग वाला, तो इसको तो मैं तोड़ने जा रहा हूं लॉग 10/2। ये देखिए एक साथ यही लिख दिया, 10/2 ही 5 होता है। अब ये m बाई n का फार्मूला बन गया लॉग m बाई n, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग 10 माइनस लॉग 2, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो ये आएगा 0.6990। अगर कहीं लिख दिया गया लॉग 6 तो इसको आप लिख सकते हैं क्या लॉग 2 इंटू 3, तोड़िए जो तीन वैल्यूज आप रटे हैं इसी में आप तोड़िए, इसी में आप तोड़िए, और लॉग 10 की वैल्यू आपको पता होती है 1 होती है क्योंकि बेस क्या है 10 है। ठीक है, तो लॉग 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हो लॉग 2 प्लस लॉग 3, तो लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, लॉग 3 की 0.477, ये क्या आ जाएगा 0.7781, तो 0.7781 कोई जरूरत नहीं है चार डिजिट याद करना, आप 2 से 3 डिजिट भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लॉग 7, लॉग 7 को छोड़ रहा हूं मैं, 14/2 मत लिख देना, लॉग 14 कहां से निकालोगे, ये टूटेगा नहीं, छोड़ रहा हूं मैं। लॉग 8, लॉग 8 को आप लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 3, ये क्या हो गया 3 लॉग 2, लॉग 2 आप रट के बैठे हैं, फटाक से सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 0.9030। फिर लॉग 9 की वैल्यू बताओ, लॉग 9 की वैल्यू क्या होगी लॉग 3 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 लॉग 3, तो ये लॉग 3 की वैल्यू आप रट के बैठे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 0.95 आएगा, 0.95 अप्रॉक्स लिख रहा हूं मैं। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, कोई पूछ रहे लॉग 100 की वैल्यू बताओ क्या होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग 10 टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 2। कोई पूछे लॉग 1000 की वैल्यू, तो लॉग 1000 को आप लिख सकते हैं क्या लॉग 10 टू दी पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या आ गया 3, खत्म। आपको रखना, अगर आपको केवल काम चलाना है कि सारी वैल्यूज आप कॉपी पे निकाल सकें तो ये तीन वैल्यू याद रखिएगा। अगर आपको मेरी तरह एक्सपर्ट बनना है, थड़ा थड़ा आंसर देना है, तो आपको याद करना पड़ेगा 10 वैल्यूज, कितनी बोलिए 10, ये 10 वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी लॉग 1 से लेके कहां तक 10 तक, इतनी वैल्यूज आप अच्छा याद क्या करना है 4 5 6 8 9 10, ये तो मैं इसी सब से निकाल रहा हूं, तो मतलब निकाल आप सकते हैं इसी से, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो थोड़ा फास्ट आंसर आपका निकलेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आपका आंसर निकलेगा। 10 वैल्यूज याद करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, बात है 7 पे तो सर अटक गए हैं, नहीं बता पा रहे हैं।
अच्छा जी बताओ लॉग 10 की वैल्यू क्या है 1, लॉग 100 की वैल्यू क्या है 2, इसका मतलब लॉग 10 से लॉग 100 के बीच की सारी वैल्यूज क्या होगी 1 से 2 के बीच में होगी। लॉग 100 की वैल्यू क्या है 2, लॉग 1000 की वैल्यू क्या है 3, मतलब लॉग 100 से लेकर लॉग 1000 तक की सारी वैल्यूज 2 और 3 के बीच में होगी। कुछ समझ में आया है, ट्रिक्स की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा हूं। कोई पीछे लॉग 11 मतलब 1 से ज्यादा होगा 2 से कम होगा, कोई पीछे लॉग 99 मतलब 1 से ज्यादा होगा 2 से कम होगा, कोई पीछे लॉग 60 1 से ज्यादा होगा 2 से कम होगा, कोई पीछे लॉग 75 हमको पता है 1 से ज्यादा होगा 2 से कम होगा, तो 1 पॉइंट कुछ होगा। अब पॉइंट के बाद क्या लिखना है ये अभी धीरे-धीरे बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा शुरू में जो डिफरेंस लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, देखो लॉग 1 से लॉग 10 के बीच की सारी वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम, देख लो 0 से 1 के बीच में मतलब माइनर माइनर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। अच्छा ये डिफरेंस और थोड़ा हो जाता है जब हम बड़ी वैल्यूज की ओर चलते हैं, कुछ लॉग 9999 और लॉग 10000 दोनों की वैल्यू अप्रॉक्स क्या होगी सेम, लॉग 10000 की वैल्यू होगी 4 और लॉग 9999 की वैल्यू लगभग क्या होगी 4, आप निकालिए 3.9999 करके आए तो लगभग क्या होगी 4, ठीक है मतलब बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, उसी डिफरेंसेस का मैं फायदा उठाऊंगा। लॉग 6 की वैल्यू हमको पता है, लॉग 8 की वैल्यू पता है, इन दोनों का मीडियन लेने आता है, मीडियन 0.77.90 मीडियन लेंगे तो लगभग आपका आएगा 0.84, क्या आएगा 0.84, अरे जोड़ लो इसको इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो लगभग आएगा 0.84, मैंने मीडियन लिया आप कैलकुलेटर चेक करो यही आएगा 0.84। तो आप अगर 1 से लेके 10 तक की वैल्यू रट लिए हैं तो मेरे लिए बड़ा काम आसान हो जाएगा आपको अपना पूरा ट्रिक समझाना। तो ये चीज आपको रटी होनी चाहिए, इसको नोट करना हो आप वॉच करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिएगा बकायदा कॉपी में, इसको लर्न कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको अपने ट्रिक्स की ओर लेके चलूं, मैं यही लॉग ही नहीं मैं आपको एंटी लॉग निकालना भी सिखा दूंगा, लॉग ही कोई बड़ी बात नहीं है, एंटी लॉग भी बड़े आराम से आप निकाल देंगे, ठीक है केवल आपको एंटी लॉग के लिए थोड़ा ज्यादा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, लॉग के लिए बस थोड़े से ट्रिक्स है बता रहा हूँ काम खत्म। ये अगर 3 रटे हैं तो भी काम हो जाएगा, लेकिन एक से 10 तक अगर रटे हैं तो धड़ाधड़ आप आंसर निकाल लेंगे, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है ये रटा होना चाहिए, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं मिटा रहा हूं, लेकिन ये समझ लीजिए मैं इसका डायरेक्टली इस्तेमाल करूंगा, ठीक है इसको आप कहीं नोट कर लिए होंगे तो मच बेटर होगा, नहीं नोट किया तो अभी बैक जाके नोट कर लीजिए, ये 10 वाला नोट कर लीजिए फिर देखिए। अब जैसे मान लीजिए अब देखिए ट्रिक आपको क्या बता रहा हूं, अब जैसे मान लीजिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जितने डिजिट का नंबर हो नंबर समझते हैं, जैसे लॉग 25 कितने डिजिट का है 2, ठीक है लॉग 932 कितने डिजिट का है 3, जितने डिजिट का नंबर हो 4 डिजिट का हो, मान लीजिए कोई नंबर 4 डिजिट का है डेसिमल को नहीं काउंट करते, जैसे लिखा हुआ लॉग 932.683 तो आप 3 डिजिट काउंट करेंगे 932 डेसिमल के बाद करेंगे, जितने डिजिट का नंबर है उसका आंसर उससे कम आएगा। अगर कोई नंबर 4 डिजिट का है 4 डिजिट का है तो उसका आंसर 4 से कम आएगा और 3 से ज्यादा आएगा, अगर 2 डिजिट का है तो 2 से कम आएगा और 1 से ज्यादा आएगा, अगर 5 डिजिट का है तो 5 से कम आएगा और 4 से ज्यादा आएगा। अगर जैसे कोई पूछे लॉग 900 कितने डिजिट है भैया 3, तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग होगा। कोई पूछे लॉग फोन नंबर में कितने डिजिट होते हैं 10, तो इसका आंसर हमेशा 9 पॉइंट पूछेगा, चाहे मेरा फोन नंबर हो चाहे आपका फोन नंबर हो मोबाइल नंबर, चाहे किसी का भी हो चाहे बराक ओबामा का हो चाहे नरेंद्र मोदी का हो, ठीक है किसी का भी फोन नंबर हो 10 डिजिट होंगे तो उसका आंसर 9 पॉइंट पूछेगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर 5 डिजिट है तो 4 पॉइंट समथिंग, अगर एक ही डिजिट है तो 0 पॉइंट समथिंग। देखिए अभी एक डिजिट वाला सब मैं लिखा था ना लॉग 1 से लेकर 9 तक एक डिजिट थे सबका आंसर 0.9 0.8 0.7 करके आ रहा था ना, तो जितने ये चीज आई कहां से, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे मैंने लिखा अपना फोन नंबर लॉग 7379629232 कितने डिजिट है बोलिए 10, अब मुझे पता है इसका आंसर 9 पॉइंट कुछ आएगा, मुझे पता है इसका आंसर 9 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन वो कुछ भी तो निकालना है 9 पॉइंट कुछ समथिंग वो समथिंग तो निकालना है आई कैसे 9, अब इसको मैं लिख सकता हूं log 7.3 into 10 to the power 9 सही है गलत है सही है, अरे लिख दिया कल कर इतना डेसिमल के बाद वाला क्यों पूरा नहीं लिखे, बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं ना लॉग की वैल्यूज में, तो डेसिमल क्या उखाड़ लेगा, ठीक डेसिमल क्या उखाड़ लेगा कितना चेंज कर देगा वैल्यू में। अच्छा आपको पता होगा सीबीएसई में कैलकुलेटर्स नहीं अलाउ होते हैं तो अप्रॉक्स आंसर्स दिए जाते हैं, आईसीएससी में होते हैं तो वहां तो कैलकुलेटर अलाउ है तो उनको इस ट्रिक्स की कोई खास जरूरत नहीं है, वो तो कैलकुलेटर उठाएंगे खटाक से लॉग लगा के वैल्यू निकाल लेंगे, मैं बेसिकली सीबीएसई यूपी बोर्ड उन बोर्ड्स की बात कर रहा हूं जहां पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते और वहां अप्रॉक्स आंसर सही होते हैं, अगर आपका आंसर 20.6 आ रहा हो किसी एग्जैक्ट आंसर 20.8 है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, प्रोसीजर सही होना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा ये देखिए अब लॉग m * n m * n फार्मूला लगा दो लॉग 7.3 + लॉग 10 टू द पावर 9, अच्छा इसको छोड़ो
log 7.3 और ये क्या हो जाएगा 9 आगे आ जाएगा, फार्मूला लगा के 9 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है बोलो 1, तो log 7.3 plus 9 into 1 मतलब 9, 9 into 1 9। अब पता है ये कैसे निकालेंगे, log 7 हम रट के बैठे हैं 0.84, ये 7.3 है मतलब 0.84 से थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। अब ये थोड़ा ज्यादा आपको कैच करना है, log 8 की वैल्यू क्या बताया था 0.9, log 7 की वैल्यू क्या बताया 0.84, तो 7.3 है थोड़ा ज्यादा, तो 0.86 या 0.87, तो ये हो गया 0.86 प्लस 9, आंसर आपका आ गया 9.86। अब कई लोग कह रहे हैं इतना कैलकुलेशन आप मन में कैसे कर लेते, मन में जानते हो कैसे कर ले रहा था मैं, ये 10 डिजिट का नंबर है तो मैं मन में सोच लिया 9 point something। अब बात है समथिंग कैसे निकाले, मैंने इसका पहला डिजिट पकड़ लिया 7 और उसका पॉइंट लगा के 3 मान लिया 7.3, तो 7.3 की वैल्यू मैंने सोचा log 7 0.84, 7.3 0.86, इसी में जोड़ दिया 9.86, समथिंग की जगह क्या लिख दिया 9.86, कहीं आ गया log 5632, सोच के नहीं लिख रहा हूं, रैंडम जो मन में आ रहा लिख रहा हूं, कितने डिजिट 4 डिजिट है, आंसर 3 point कुछ आएगा। मैंने पहला डिजिट पकड़ लिया 5 और ये है 5.6, तो log 5 की वैल्यू भी लिखवाया हूं क्या 0.6990 मतलब लगभग 0.7 और ये 5.6 है तो थोड़ा ज्यादा कर लो 0.75, तो आंसर आ गया 3.75। कैलकुलेटर में चेक करते रहिए, आप चेक करते रहिए, कहीं लिखा हुआ आ गया log 30, तो इसका आंसर क्या आएगा, दो डिजिट का नंबर है बोलो क्या आएगा 1 point कुछ है, तो मैंने लिखा 1 point कुछ है और इसको कर दिया 3.0, तो log 3 की वैल्यू रटे हुए 4771, इसका देखो एग्जैक्ट बता लिया मैं क्योंकि यहाँ डिसिमल बाद कोई लोचा था नहीं। कहीं आ गया log 60 की वैल्यू, दो डिजिट का नंबर, आंसर क्या होगा 1 point कुछ। अब मैंने 6 के आगे डिसिमल लगा दिया, log 6 की वैल्यू रटे हुए थे कितना आया था 0.7781 खत्म। कहीं आ गया log log root 368, कहीं सर अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, लो log 368 की पावर हाफ आगे आ जाएगा, हाफ log 368। अब ये आप कर रहे हैं, मैं मन में सोच रहा था कि रूट में है तो हाफ आगे आ जाएगा, फाइनल आंसर में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 368 तीन डिजिट का नंबर है, तो बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 point कुछ, तो 3.6 है, तो 2.3 की वैल्यू 0.47 2.51, इसकी वैल्यू हो गई 2.51 log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, थोड़ा बढ़ा दिए 51 तो 2.51, दो से डिवाइड किए 1.26 खत्म, ये आंसर हो गया। मतलब कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होगी, मतलब आप देख रहे होंगे कि जितने डिजिट का नंबर आप कैलकुलेट करेंगे अगर सर डेसिमल में ही हो 0.0039 अभी उस पर भी जा रहा हूं, ठीक है, तो जितने डिजिट का नंबर होगा आप उससे एक कम कर देंगे, 7 डिजिट का नंबर है तो आंसर 6 point कुछ होगा और उस 7 डिजिट का जो पहला डिजिट होगा उसकी वैल्यू आप रटे होंगे 1 से 9 तक की वैल्यू आप रटे हैं, तो पहला डिजिट 1 to 9 के बीच में ही होगा, वही डेसिमल के बाद लिख देना, अगर थोड़ा सा ज्यादा है वो उससे 7 की बजाय 7.2 है तो थोड़ा तुम भी बढ़ा देना, 6 है 6.4 है तो 6 से थोड़ा बढ़ा देना, थोड़ा बढ़ा देना काम करो, ठीक है। अब देखिए चलिए जैसे कहीं आ गया log क्यूब रूट टेट्रांड ऑफ 3122, इसको लिख सकते हैं log 3122 की पावर 1/4 आगे आ गया log 3122, ये कितने डिजिट का नंबर है 4, तो आंसर क्या होगा 3 point कुछ। अब ये log 3.1 की वैल्यू लगभग log 3 के बराबर होगी, 0.4778 होती है, मैंने 48 ले लिया, इसको डिवाइड कर दिया 4 से, ये आपका आंसर हो गया। अब दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो कभी आ गया log 0.038, तो आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, इसको लिख सकते हो फर्स्ट डिजिट तक ले जाना पड़ेगा 3.8 × 10⁻², log 3.8 लगभग log 4 के बराबर आएगा, log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6, तो ये देखो इसको तुम लिख सकते हो log m into n, तो log 3.8 plus log 10⁻², log 3.8 की वैल्यू log 4 यानी 0.6 और इसके वैल्यू -2 आगे आ जाएगा, तो -2 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 1, तो 0.6 - 2, तो आपका आंसर आ गया -1.4। तो मतलब इस तरह के डेसिमल्स का भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, मैं भी पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, तो बहुत से बच्चे होते हैं खट से बोलते हैं सर अगर बेस चेंज कर दिए तो ये फार्मूला तो एप्लीकेबल है केवल बेस चेंज, मैंने ऐसा कहा क्या आज के वीडियो में, एक भी बार मैंने ये बोला क्या कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बेस चेंज, नहीं।
ठीक है, ये बेस टू थ्री ढाई पौने तीन सवा तीन सबके लिए अप्लीकेबल है। आइए, अगर कहीं एक फार्मूला होता है बेस चेंज करने का, एक फार्मूला होता है, अगर कहीं भी लिखा हो, ये जनरल फार्मूला बता रहा हूं, फार्मूला कहीं भी लिखा हो लॉग ए बेस बी, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। यहां पर इसका बेस क्या था, बी था, लेकिन ये फार्मूला होता है, कहीं लिखा हो लॉग ए बेस बी, तो इसको लिख सकते हो लॉग ए अपॉन लॉग बी, और इन दोनों का बेस क्या हो गया, टेन हो गया। इन दोनों का बेस अब क्या हो गया, टेन हो गया। कभी आ गया बताओ लॉग टू की वैल्यू बेस थ्री पे, क्यों घबराने का भैया, लिख दिए log 2 बटे log 3। अब log 2 और log 3 दोनों की वैल्यू बटे उधर के डिवाइड करके आंसर कभी आ गया log 3232 और बेस 9, क्या घबराने का क्या, log 3232 और बटे log 9। अच्छा log इसकी वैल्यू क्या होगी, चार डिजिट का नंबर क्या होगा, 3 पॉइंट कुछ, तो पहला डिजिट 3.2 है, तो ये आपका आंसर होगा 3.49 बटे log 9 की वैल्यू बटे 0.95 डिवाइड किया आंसर आ गया। टफ से टफ पूछिए जितना टफ पूछ रहा है, ठीक है, आप फटाफट ये बस ये फार्मूला है, इसको ये भी आप नोट कर लें, ये एक फार्मूला है, कभी भी बेस कुछ भी हो तो आप उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, बेस 10 में कन्वर्ट कर लिए फिर मेरा ट्रिक अपना काम करने लगेगा, जैसे ही आप बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे फिर वो ट्रिक का ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। अब बात आती है, ये तो हो गया, अब बात आती है कई लोग के दिमाग में सर एंटी लॉग, एंटी लॉग थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो आप इसको पहले पूरे लॉग को खूब समराइज करिए, जितने आपके मन में कौतूहल हो कि ये ले लें वो ले लें क्या हो जाएगा, ये कर दें तो वो कर दें क्या हो जाएगा, सब लेके आइएगा, सब पूछिएगा मुझसे, ठीक है। होता है पढ़ाते होते, ये नहीं पता होता, जब सामने बच्चे बैठे होते हैं तो 75 दिमाग काम करता है ना, 50 बच्चों का, 60 बच्चों का, 100 बच्चों का बैच होता है, तो उनके दिमाग में तो अलग अलग तरह के दिमाग में चलते रहते हैं, तो वो पूछते हैं तुरंत मैं आंसर दे देता हूँ। यहाँ वीडियो बनाते वक्त नहीं समझ में आता है, कैमरे के सामने खड़ा पढ़ा रहा हूँ, वैसे ज्यादा दिक्कत होती है, बच्चे रहते थोड़ा ज्यादा मजा आता है, तो अब आपके मन में आ रहा होगी हाई वाला पूछना है, वीडियो देख रहे हैं तो सुप्ता हो रही होगी, इसका आंसर शायद ना बता पाए सर, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लीजिए, कुछ भी मैं कुछ और भी सोच ले रहा हूँ, जैसे कुछ और टफ भी सोच ले रहा हूँ, कई बच्चे से अगर 24 × 3 = 256 बटे 95 ले, कई लोग क्या करते हैं इसको लगते हैं मल्टीप्लाई करने, कौन जरूरत है मल्टीप्लाई करने का, नीचे जगह नहीं है मैं ऊपर मिटा कर लिख रहा हूँ, कौन आपको जरूरत है इसको मल्टीप्लाई करने का भाई, कौन कहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, कोई मल्टीप्लाई कर सकते लॉग एम इंटू एन डिवाइडेड बाई एन, तो log 24 प्लस log 3256 माइनस log 95, आपको पहले ही बताया था मल्टीप्लाई है तो प्लस प्लस और डिवाइड है तो माइनस, हो गया, ये फार्मूला ये भी है log m into n divided by n, तो log m into n का log m plus log n और डिवाइडेड बाई n है तो माइनस log m। अब log 24 की वैल्यू, log 24 की वैल्यू आप बड़े आराम से एग्जैक्टली 2.4 है, आप इसको तोड़ भी सकते हैं, ये देखो इसको आप तोड़ सकते हैं, 2 × 2 2×4 = 2 = 8 = 3, ठीक, और इसको आप इसका 4 डिजिट है 3.2, तो ये आपका आएगा 3.49, और ये log 95 है, log 9 की वैल्यू आपको पता है 0.95 होती है, 95 है ना, तो 1.97, अच्छा इसकी वैल्यू 3.2, 4 डिजिट है 3. कुछ, 2 डिजिट है तो 1. कुछ, ठीक है, पहले डिजिट का log 9 का वैल्यू होता है 95, लेकिन 95 है तो ये 97 हो गया। log 24 को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि एग्जैक्टली 2 और 3 में ये टूट जा रहा है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, सदा पड़ा नहीं था, ये भी टूटता नहीं, इसको लिख सकते हो log 2 की पावर 3 × 3 प्लस इसको अपना सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व कर लोगे इनटू n, इसको सॉल्व कर लोगे log 2 पावर 3 प्लस log 3, मतलब आप देख रहे हैं कुछ भी हो कितना भी बड़ा नंबर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने क्यों समय वेस्ट करोगे, खटाखट तोड़ दो फार्मूला में, सर log का फार्मूला पढ़ा हुआ। एक चीज यहां पर और बताऊं मैंने, ठीक है, जैसे एक होता है नेचुरल लॉग, क्या होता है नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ln से, किससे बोलो ln, और इसका बेस होता है e, लिखा ही नहीं जाता, अगर ln लिखा है तो बेस e, अगर log लिखा है तो बेस 10, अगर बेस नहीं लिखा है तो हम मानते हैं, ठीक है। अब अगर कभी कभी नेचुरल लॉग होता है और इसको हमको लॉग में कन्वर्ट करना, नेचुरल लॉग के भी फार्मूले वैसे होते हैं, तो कुछ है ln m into n, तो फार्मूला ln m plus ln n, जो फार्मूला लॉग का है सेम लॉग मिटा के वहां क्या लिख दो ln, लेकिन कोई तुमसे पूछे इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये होता है ln is equal to होता है 2.303 log, ये भी एक फार्मूला है। अगर कहीं लिखा ln x तो लिख सकते हो 2.303 log x, अगर कहीं लिखा ln 2 तो इसकी वैल्यू होगी 2.303 log 2, इसका बेस क्या है e और इसका बेस क्या है 10, कहीं लिखा हुआ ln 5 इसकी वैल्यू क्या होगी 2.303 log 5, अब बेस 10 करके इसकी वैल्यू करके सॉल्व कर दो ln 5 की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब मैंने आपको नेचुरल लॉग निकालना सिखा दिया, नेचुरल लॉग को हम सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर लिया, सीख ही गए,
सिंपल लॉ भी सिखा दिया, आपको याद केवल क्या करना है, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, याद केवल क्या करना है, एक से दस तक की लॉग वन टू टेन की वैल्यू, लॉग वन की वैल्यू जीरो, लॉग टेन की वैल्यू वन, लॉग उसके बाद टू टू नाइन तक की आपको वैल्यू याद करनी है, ठीक है। लॉग निगेटिव मत जाएगा, लॉग माइनस फाइव की कोई वैल्यू नहीं होती है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, कोई ट्रिक में आपको समस्या हुई हो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एट रैंडम आप घर पे बैठिए, लेकिन पहला काम फार्मूले तैयार हो और लॉग 1 टू 10 तक की वैल्यू आपको रटी हुई हो, ठीक है। 10 डिजिट का नंबर है तो आंसर क्या होगा 9 पॉइंट कुछ, 10 डिजिट का जो पहला डिजिट होगा उसका वैल्यू आप रटे हैं वो खट से डेसिमल में रख देंगे। 4 डिजिट का है तो आंसर क्या आएगा 3 पॉइंट कुछ, तो 4 डिजिट का पहला डिजिट जो होगा वही वैल्यू आप डेसिमल के बाद रख देंगे। रूट है तो आगे हाफ आ जाएगा, क्यूब रूट है तो आगे 1/3 हो जाएगा, टेट्रा रूट है तो आगे 1/4 हो जाएगा, फाइनल आंसर में 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डेसिमल है तो निगेटिव आंसर आ जाएगा, अगर 0.003545 है तो ये इसका आंसर निगेटिव में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉग के अंदर माइनस है, लॉग माइनस फाइव तो ये अनडिफाइंड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, लॉग माइनस फाइव अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये पूरा लॉग हो गया। एक एग्जाम्पल में जाते जाते आज के वीडियो में एक एंटी लॉग का ऐसे ही दूंगा, ठीक है, एक एंटी लॉग का आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो उससे क्या आपको मदद क्या मिलेगी कि आपको ये फील होगा कि मैं एंटी लॉग, लेकिन एंटी लॉग में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा। जैसे मान लो कभी आ गया लॉग 25, ऐसे ही आ गया, मान लीजिए लॉग m इज इक्वल टू 0.6 या ऐसे लॉग m इज इक्वल टू 3.5 ऐसे आ गए। अब बात आई m की वैल्यू बताओ, ये इसी को बोलते हैं एंटी लॉग। जैसे लॉग 3.5 की वैल्यू पूछता तो हम बता देते, लेकिन कह रहे log m की वैल्यू 3.5 है, बताओ m क्या है, तो कुछ नहीं करना है, आप इस पर से लिखेंगे log m, इसको तोड़ो, इंटीजर और डेसिमल को अलग करो, 3 plus 0.5 सही है गलत है, सही है। ये तो log कितने की वैल्यू 3 होती है, log 1000 की वैल्यू, log 10 टू द पावर 3 की वैल्यू 3 होती है, log 10 टू द पावर 1 की वैल्यू 1 होती है, log 10 टू द पावर 2 की वैल्यू 2 होती है, log 10 टू द पावर 3 की वैल्यू 3 होती है, log 10 की पावर 10 की वैल्यू 10 होती है, log 10 की पावर 100 की वैल्यू 100 होती है। तो log 10 अगर वैल्यू किसी की 3 है मतलब log 10 की पावर 3, अगर 5 है तो log 10 की पावर 5। अच्छा तो 0.5 किसकी वैल्यू है, log में याद करो 0.5 किसकी वैल्यू, log 4 की वैल्यू क्या थी 0.6, log 3 की वैल्यू क्या थी 0.47, तो 0.47 देखो 0.5 के नजदीक है, तो 0.5 लगभग वैल्यू होगी log 3.3 की, log 3 की होती है 0.47, थोड़ा टफ है बता रहा हूं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो लेडर नहीं लेने का, log ही पहले तैयार करने का, ठीक है। log कितने की वैल्यू 0.5 होती है, 0.5 एग्जैक्ट नहीं पता है कितने की होती है, लेकिन 0.47 किसकी वैल्यू होती है log 3 की, तो 3 से थोड़ा ज्यादा कर दिया तो वो 0.5 के अप्रॉक्स होगा। अच्छा log m plus log n उल्टा फार्मूला, तो क्या लिख सकते हो log m into n, तो 3.3 into 10 to the power 3, इसका इससे कंपैरिजन करो, log log m is equal to ये, तो m is equal to 3.3 into 10 to the power 3, ठीक। ये 3 पॉइंट कुछ था, एक एग्जांपल और दूंगा जिसमें इंटीजर पार्ट ही नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए लिख दिया log log x is equal to 0.869, ठीक। अब जब इंटीजर पार्ट नहीं है तो आते खत्म, अब डायरेक्ट तुम सोचो 0.86 किसकी वैल्यू होती है, 0.84 होती है log 7 की वैल्यू, तो 86 किसकी होगी, log 7.2 की वैल्यू, क्या लिखिए log 7.2 की वैल्यू, अगर ये 84 होता तो एग्जैक्ट लिखते log 7, तो बता तुलना करो इसका इससे कंपेयर करो, तो x = क्या निकल गया 7.2, ठीक, कोई समझ बात आ रही है। तो ये एंटी लॉग और भी कई टफ केसेस हैं, तो इससे आप लॉग एंटी लॉग कुछ भी निकाल सकते हैं, याद रहे इस वीडियो को बहुत अच्छे से, एक दो दो की वर्ड्स याद रखिएगा, फार्मूले सारे याद रहे और एक से दस तक की वैल्यू याद रहे, बाकी सब आप बड़े आराम से कर लें, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, संडे को लेके आऊंगा सॉल्यूशन वाला वीडियो, बाय।